वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज हर्षा एंड टूडे आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस ईजी ग्लैम मेकअप लुक फॉर रक्षाबंधन. और अगर आप मैरिड हैं और अगर आप अनमैरिड भी हैं तो ये लुक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है. स्पेशली जिनको ईजी मेकअप करना ज़्यादा पसंद है. और रक्षाबंधन के टाइम में हमारी जो रूटीन है थोड़ी बिजी रहती है, तो मैं ईजी मेकअप ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल गेट इन टू आवर वीडियो. बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियो नोटिफिकेशंस. क्योंकि आगे आने वाला है रक्षाबंधन लुक बुक, जिसमें मैं आपको देने वाली हूँ बहुत सारे आउटफिट आइडियाज़. और मैं आप लोगों को बताऊँगी हाउ टू कस्टमाइज योर क्लोथ्स टू मेक देम वेरी स्टाइलिश एंड फैशनिस्टा टाइप ऑफ आउटफिट. सो उसे मिस मत कीजिएगा. और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. सो चलते हैं हमारे मेकअप लुक ट्यूटोरियल में. सो गाइस, फॉर द बेस आई विल यूज गुड वाइब्स ग्रीन टी टोनर, विच विल हेल्प मी टाइटन माई ओपन पोर्स. मेरे चेहरे पे आजकल बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हो गए हैं और मैंने आज सुबह से अपनी स्किन केयर रूटीन भी नहीं फॉलो की है. तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ अपने टोनर से, क्योंकि टोनर हेल्प्स मी अ लॉट टू मेरी स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करता है. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का रोज़ हिप ग्लो सीरम. अगर आप ये सीरम लगा रहे हो तो आपको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है. इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन, इट गिव्स अ ग्लो ऑन योर स्किन. अगर आपकी डल स्किन है तो आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए. और प्लस अगर आपको एक्ने या ब्लेमिश की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी. अगर आप लोगों को गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कूपन कोड दिया हुआ है, उससे यूज़ करना मत भूलिएगा पर्पल पे लॉग इन करके, क्योंकि पर्पल पे चल रही है राखी सेल. अब मैं यूज़ करूँगी पॉन्ड्स का लाइटवेट मॉइस्चराइज़र. ये मॉइस्चराइज़र मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरे चेहरे को ऑयली नहीं बनाता, ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है मेरी स्किन में. और लिप्स पे मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का स्ट्रॉबेरी लिप बाम, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. मैट लिपस्टिक के नीचे मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ, जब भी मैं मैट लिपस्टिक लगाती हूँ. अब मैं यूज़ करूँगी मार्स का फाउंडेशन, मार्स का ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन. ये भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. मैं जब भी मेकअप करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे लाइट फील हो, क्योंकि फिर हेवी मेकअप से मुझे नींद आने लगती है. और मैं ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये इतना क्रीमी है, ये ब्रशेज में अब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं अपने हाथों से इसे अच्छे से अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से अपने फेस पे मिक्सअप कर रही हूँ. अब मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का कंसीलर, शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और जहाँ जहाँ मेरे डार्क सर्कल हैं, मेरी गलतियाँ हैं, मेरे ब्लैक स्पॉट्स हैं, मेरी जहाँ जहाँ मेरी अनइवन स्किन टोन है, वहाँ वहाँ मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. कंसीलर हमारी गलतियों को छुपाता है, मुझे ऐसा लगता है. फिर मुझे कभी कभी ख्याल आता है मेकअप करते टाइम, अगर रात को अच्छे से सो लिया होता या रात को मैंने टाइम पे सो लिया होता तो मेरी आज इतनी बड़ी बड़ी डार्क सर्कल नहीं होते. आप लोग को ऐसा नहीं लगता गाइस? सो ब्रश की हेल्प से मैंने कंसीलर तो ब्लेंड कर लिया है, लेकिन मेरी स्पीड देखो आप, मुझ में और कछुए में कोई अगर कछुआ मेकअप सीखे ना तो वो मुझसे जल्दी मेकअप कर लेगा. सीरियसली गाइस, आई एम जस्ट यू नो, ये 10 मिनट का मेकअप है. अगर कैमरा नहीं होता ना तो आप लोगों को 10 मिनट लगते हैं ये पूरा मेकअप करने में, लेकिन क्योंकि द मारवाड़ी ब्यूटी हर्षा मेकअप कर रही है इसीलिए उसे टाइम लगेगा. अब मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का कॉम्पैक्ट पाउडर. ये मुझे मेरे मॉम ने गिफ्ट किया था. आई एम नॉट अ लूज पाउडर पर्सन, लेकिन मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना बहुत पसंद है. मेकअप सेट के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता.
क्योंकि मेरी ड्राई स्किन भी है, तो एकदम लाइक लूज पाउडर मुझे ऐसे लगता है कोई लाइक आटा थोप रही हूँ मैं। ट्रस्ट मी, मैं लाइक मजाक नहीं उड़ाना चाहूँगी, लेकिन मुझे ढेर सारा लूज पाउडर के बदले एक कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छा लगता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेंटी ब्यूटी का आई शेडो पैलेट और साथ में ये तीन ब्रशेस। ऑर्डर वाइज मैं यूज़ करूँगी फर्स्ट ब्रश अपना बेस शेड यूज़ करने के लिए। लाइक डे टाइम मेकअप के लिए मैं आई शेडो क्रिएट करने का कोशिश कर रही हूँ, कोई प्लानिंग नहीं है लेकिन मैं कर रही हूँ बस। इतने लंबे टाइम के बाद मैंने मेकअप लाइक ट्यूटोरियल बनाया है और ट्रस्ट मी ये ऑनेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल है। बीच बीच में मैं कैमरे की तरफ भी देखने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा एंगल तो सही है, मैं मोटी तो नहीं लग रही। साथ ही साथ मैंने अपना नेक्स्ट शेड भी यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पिंक कलर का शिमरी शेड, क्योंकि लाइक मेरा जो भी कुर्ती है वो पिंक है, लाइट पिंक है, तो कॉन्ट्रास्ट वाइज थोड़ा डार्क पिंक शाइनी शाइनी अच्छा लगेगा। कैमरे पे थोड़ा डार्क लग रहा है लेकिन लाइक मैं पिक्चर अपलोड कर दूँगी, थंबनेल में देख लेना आप लोग। अब मैं यूज़ करूँगी मैलियो का आईलाइनर। यू वोंट बिलीव गाइज, मुझे ट्यूटोरियल करते करते एक हाथ से आईलाइनर लगाना आ गया। लाइक ठीक है, एक हाथ से आईलाइनर मुझे नहीं आता था लगाना, मैंने काफ़ी सारे शेप्स से आईलाइनर लगाना सीख लिया है। फिर से कछुए की स्पीड में मैं आई मेकअप कर रही हूँ, मेरा ऑलमोस्ट आई मेकअप हो गया है। अब मैं लैक्मे का और NYB का काजल यूज़ करूँगी। NYB का काजल मैं लगाऊँगी इनर वाटर लाइन में, और आउटर वाटर लाइन में मैं लगाऊँगी लैक्मे का काजल। सो लैक्मे का काजल लगाने के बाद मैं उसे ब्रश की मदद से ब्लेंड भी करने का कोशिश करूँगी, उसी ब्रश के हेल्प से जिसके हेल्प से मैंने वो पिंक शेड लगाया था। तो नीचे में थोड़ा हाइलाइटिंग टाइप का इफेक्ट आ जाएगा। अब मैं यूज़ करूँगी लैश कर्लर। मैं लैश कर्लर यूज़ करती हूँ तो मेरा एक ट्रिक होता है, मैं उसे लैशेस पे लगा के 1 to 10 गिनती हूँ। 10 seconds के लिए आप लोगों को रखना होता है। आई डोंट नो किन किन लोगों को लैश कर्लर यूज़फुल नहीं लगता, मुझे बहुत यूज़फुल लगता है। आई एम नॉट अ मस्कारा पर्सन दो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की का हाइलाइटर, जिसे मैं अपने आईब्रोज़ पे, नोज़ पे, आईब्रोज़ पे हाईलाइट करने के लिए। आईब्रोज़ पे हाइलाइटर लगाने से आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट हो जाता है। और अब मैं करूँगी अपनी कॉन्टूरिंग। मैंने थोड़े टाइम पहले ही कॉन्टूरिंग सीखा है टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ माई वर्क बिकॉज I'm learning, I'm a learner and I will be learning. So, contouring हो गई है, अच्छी लग रही हूँ ना। So, अब मैं लगाऊंगी अपने आउटर कॉर्नर ऑफ द फेस पे, मैं जहाँ जहाँ हाईलाइटर लगाते हैं वहाँ वहाँ हाईलाइटर मैं लगाऊंगी और उन्हें ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूंगी। ये हाइलाइटर इट्स क्वाइट यूजफुल अगर आप लोगों को लाइट मेकअप करना है, ये ज़्यादा पॉपी नहीं है। फिर मैं टचअप दूंगी अपने मेकअप को, हमेशा मेकअप के बाद टचअप देना चाहिए। सो टचअप के बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक मेबलिन का क्रीमी मैट।
शेड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मेरा मेकअप हो चुका है, कैसी लग रही हूँ बताओ। सो आई एम रेडी नाउ। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को प्रेस करना, इस वीडियो को शेयर करना। पसंद आया हो ये वीडियो तो थम्स अप बटन को भी प्रेस कर देना। ऊपर में दिया हुआ इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे फॉलो करो, मैं डेली अपडेट्स देखो। और अगर इस वीडियो या कोई भी आगे का वीडियो पे रिक्वेस्ट है सो प्लीज़ कमेंट कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कूपन कोड्स दिए हुए हैं उन्हें देख लेना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।